8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मध्य प्रदेश के प्रत्येक महिला को लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान यह घोषणा की और कहा कि लाडली बहना योजना से हमारी बहनें सशक्त होंगी। अब बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपए यानी साल में 12,000 तथा 5 साल में 60,000 रुपए मिलेंगे। विदिशा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान स्वीकृति पत्र व मुख्यमंत्री किसान कल्याण राशि वितरण कार्यक्रम से सीएम ने सहभागिता की। वही में ये योजना जिंदगी बदल देगी मेरी बहनों की जिंदगी। और मैं शायद यही सोच रहा हूँ कि चौथी बार काय को मुख्यमंत्री बना रहे शिवराज, इसलिए बना कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकूं, अपनी बहन बेटियों को माँ को आगे बढ़ा सकूं, शायद इसलिए मैं फिर से आया। सुनो किसान भाइयों, कांग्रेस बना गई डिफाल्टर, मैं ब्याज का पैसा भरा के उस डिफाल्टर से मुक्ति दिलाऊंगा, आप चिंता मत कर। अगर पूरी राशि जोड़ ली जाए तो 2.25 साल में 2,25,837 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाले हैं। और किसान भाइयों चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, आगे भी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी, लगातार आरंभ रहेगी। किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी 38 योजनाएं हैं। आज ऐसे 24,94,617 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दे रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। अब सबको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तुम लाभ से वंचित नहीं रहोगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।